नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सुशांत सिंह। बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड के नाम पर यहां पर 39 लाख की ठगी का मामला सामने आया है और थोड़ी देर में देखिए डीसीपी पूजा वशिष्ठ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा कर रही हैं। देखिए क्या कुछ मामला सामने आता है। 4 अगस्त 2023 को हमें कंप्लेन मिली थी। हमारे जो कंप्लेनेंट है वो फरीदाबाद के निवासी हैं, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देने के उपलक्ष्य में उनसे 39.2 लाख रुपीज़ ले लिया गया और वो बेसिकली बाद में उनका कॉन्टैक्ट वगैरह बंद हो गया, तो उनसे ठगी हो गई मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देने के चक्कर में। तो उसमें हम फिर डीप में गए इन्वेस्टिगेशन की, हमने वो वेब पेज का सारा आईपी एड्रेस निकाल के एंड हम पहुँचे हमारे पहले आरोपी पे। तो प्रशांत नाम का लड़का है, ये 21 साल का लड़का है, इसने इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर साइंस जयपुर से और ये बेसिकली वेब पेज को डिज़ाइन करने का काम करता था। और नॉट ओनली मैकडॉनल्ड्स, ये कई डोमिनोज, बर्गर किंग, जितने भी हमारे पॉपुलर आउटलेट्स हैं उनकी फ्रेंचाइजी देने के लिए एक फ़र्जी वेब पेज बनाते थे और उसमें ये प्रॉपर तरीके से जो फॉर्म है और जो मतलब जो काफ़ी डिटेल तरीके से ये फॉर्म्स वगैरह बनाते थे जिससे कि सामने वाले को लगे कि ये एक्चुअल जेन्युइन है। तो उसके बाद हमने इनको गिरफ्तार करके फिर हम अपने दूसरे आरोपी तक पहुँचे और ये सब हमारा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रिकवर हुआ है कि एक तो जो वारदात में प्रयोग हुए हैं वो 4 मोबाइल, साथ ही जो इनसे इनके अड्डे पे हमें अन्य 25 मोबाइल भी मिले हैं। हमें टोटल अराउंड 70 डेबिट कार्ड मिले हैं अलॉन्ग विद चेकबुक। एक हमें लैपटॉप मिला है जिसमें ये सारे फॉर्म्स जो ये भरवाते थे और ये सारे वेब पेजेस के डिज़ाइन जी। कैश हमारा 2,20,000 के अराउंड हुआ है। टोटल आरोपी कितने हैं? देखिए अभी तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है बट इसमें काफ़ी लंबी चेन निकलेगी। जो हमारा पहला आरोपी है जो इंजीनियर है वो उसने अभी काम स्टार्ट किया था। कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं, कहाँ कहाँ पे लोग इस तरीके की काम कर चुके हैं? अप्रॉक्सीमेटली 4-5 वारदात ऐसी हो चुकी हैं। बाकी की जो रकम है वो कब तक बकाया होगी? वो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनमें से एक जैसे मैंने बताया वो तो इंजीनियर है और दूसरा वाला प्लस टू कर रखी है उसने। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन जा रही है, जो भी इनसे इन्फॉर्मेशन निकलेगी आगे के आरोपियों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। ठीक, एक बार आरोपियों को आप यहाँ मैं तो लेती नहीं हूँ आरोपियों के साथ फोटो। ठीक बात, ऐसे बात तो अच्छी है, नहीं लेना चाहिए। ये देखिएगा, बर्गर किंग और डोमिनोज के नाम पर जो है फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 39 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर जो आरोपी है बताया जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और कंप्यूटर साइंस, ये देखिएगा और यहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं और थोड़ी देर में आरोपियों को लाया जाएगा। भाई सब आरोपियों को एक बार ले आते हैं, आरोपियों को ले आओ सर। ये देखिएगा और ये देखिए, अब आरोपियों को यहाँ पर पूजा वशिष्ठ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये देखिएगा आरोपियों को हम दिखाएंगे। ये देखिएगा ये वो आरोपी हैं, ये देखिएगा ये कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और ये देखिए 12वीं पास है। ये देखिए ये दो आरोपी हैं जिन्होंने लाखों की ठगी की है फरीदाबाद से और ये देखिएगा ये देखिएगा यहाँ पर आरोपियों के को लाया जा रहा है और ये देखिए कुर्सी पीछे कर दो। ये देखिएगा ये वो आरोपी हैं, कंप्यूटर साइंस की हुई है और लाखों की ठगी का मास्टरमाइंड है और ये देखिए दूसरा जो आरोपी है 12वीं पास है और गिरफ्तार किया गया है, लाखों की ठगी जो है इन्होंने की है और ये देखिएगा एक सराहनीय काम पुलिस का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीसीपी पूजा वशिष्ठ ने तमाम जानकारी दी और ये देखिएगा यहाँ पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो आगामी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये देखिए दोनों आरोपी हैं, लाखों की ठगी कर चुके हैं और ठगी ये देखिएगा
ये देखिएगा, पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर, डोमिनोज और बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे और उनसे